नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप फ्री में अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए, अपने यूट्यूब के लिए या फिर अपने सोशल मीडिया के लिए इमेजेस को कैसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो शायद आपको पहले से पता होगा या फिर आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन इसमें काम कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसमें कुछ जो फंक्शन है वो फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको कैसे फ्री में यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको डिटेल में सारा चीज जो है वो समझ में आ सके। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले जाना है कैनवा वेबसाइट में, canva.com, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको आईडी क्रिएट करना है। आईडी क्रिएट करना काफी सिंपल है। आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ गूगल से साइन अप कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो या फिर ईमेल से कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने के लिए ईमेल यूज करूंगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चूज करना है जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और इसमें लेटर और सिंबल भी आना चाहिए। तो अब आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पर। तो आप देख सकते हो, आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप कैनवा किस लिए यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं पर्सनल चूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपको बोल रहा है कैनवा प्रो का आप लेना चाहते हो तो आप 1 महीने के लिए इसका ट्रायल ले सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल इसका फ्री वर्जन ही आपको बताऊंगा, तो आपको मे बी लेटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट योर फर्स्ट डिजाइन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जो भी डिजाइन करना चाहते हो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपना ब्लॉग पोस्ट के लिए तैयार करना चाहते हो इमेज, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हो वो भी। फिलहाल मैं आपको यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल आ गया है। तो अभी हमारे पास एक ब्लैंक टेम्पलेट आया है, अब इसको हम लोग एडिट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स में आपको टेम्पलेट मिल जाएगा जो कि बाय डिफॉल्ट आप किसी भी टेम्पलेट को यूज करके उसको एडिट कर सकते हो। अगर आप माउस यहाँ ले जाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो टेम्पलेट है वो कौन सा फ्री है, कौन सा प्रीमियम है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये फ्री लिखा आ रहा है, मतलब आप इसको यूज कर सकते हो। और जो भी प्रीमियम टेम्पलेट होंगे उनको आप यूज नहीं कर सकते, और आप उनको यूज करोगे तो उसमें वाटरमार्क आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सब टेम्पलेट जो है वो फ्री है। तो आप चाहो यहाँ से तो किसी भी टेम्पलेट को ले सकते हो। लेने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। अब इस तरह से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। किसी भी सेक्शन को आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको ब्लैंक टेम्पलेट से ही बताऊंगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब देखिए, आप जो भी चाहते हो, जैसे आप यहाँ देखो अपलोड्स, अपलोड्स में जाकर आप अपना इमेज अपलोड कर सकते हो। जो भी आपके सिस्टम में है उसको आप अपलोड करके इसमें आप ला सकते हो। उसके बाद आप यहाँ फोटोज में जाके कई सारे इमेजेस को यूज कर सकते हो जो कि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। तो आप यहाँ से किसी भी इमेज को भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वही इमेज लेना है जिसमें ये फ्री दिखा रहा है। उसके बाद एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स में आप किसी तरह का आइकन सर्च कर सकते हो या फिर शेप्स ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप एक बनाना चाहते हो, उसमें आपको फेसबुक आइकन चाहिए, तो आप फेसबुक यहाँ जब सर्च करोगे तो आपको फेसबुक का आइकन मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये सब आइकन फ्री है, आप इसको 1 क्लिक में यहाँ पर ला सकते हो। और ये सब जो है वो प्रो है, तो आप इनको यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट का भी काफी सारा आपको तरीका मिल जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह का। और टेक्स्ट में लगभग जो भी ज्यादातर टेक्स्ट है वो फ्री है, तो आप इनको यूज कर सकते हो। उसके बाद वीडियोज में जाने के बाद आप यहाँ पर वीडियो भी यूज कर सकते हो। आपको वीडियो देना है तो आप वीडियो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको काफी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर आपको बैकग्राउंड में आप जाते हो तो यहाँ पर बैकग्राउंड आपको इमेज मिलेगा जो कि आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो। यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, फिर इस तरह का बैकग्राउंड है। तो अगर मैं ये बैकग्राउंड लेता हूँ तो आप देखो ये बैकग्राउंड इस तरह का आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। या फिर बैकग्राउंड में आपको एक कलर रखना चाहते हो तो आप सिंपली एलिमेंट्स में जाकर कोई भी एक शेप ले सकते हो। और शेप लेने के बाद आप उसका कलर चूज कर सकते हो, जिस भी कलर का आप उसको रखना चाहते हो। और उसके बाद आप इस शेप को जो है आप वो एडजस्ट कर सकते हो इसमें, तो ये आपका शेप जो है यहाँ पर बैकग्राउंड का काम करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना इमेज अपलोड करूंगा, तो मैं जाऊँगा अपलोड्स में और यहाँ पर डिवाइस में जाऊँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज अपलोड हो गया है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज करोगे तो आप इमेज पर क्लिक करके अगर इफेक्ट में जाते हो तो यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये प्रो वर्जन का फीचर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में ये चीज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से इमेज डिलीट करना है और आपको एक वेबसाइट में जाना है remove.bg। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको अपना इमेज को अपलोड करना है जिस इमेज का बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो इसने कितना अच्छा से जो है इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव किया है।
तो अब मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरा इमेज जो है वो डाउनलोड हो गया है। फिर से मैं जाऊंगा कैनवा में और यहाँ पर अपलोड करूंगा उस इमेज को। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। उसके बाद अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूंगा। टेक्स्ट के लिए आप एक सिंपल टेक्स्ट ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा हाउ टू क्रिएट। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया हाउ टू क्रिएट। अब इसको आपको जाना है यहाँ पर थ्री डॉट में और यहाँ पर इसका डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद फिर हम लोग इसमें दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद इसको एडजस्ट कर लो। और यहाँ पर जाने के बाद आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर जो है येलो लूंगा। उसके बाद फिर से मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बड़े आसानी से एक प्रीमियम लुक वाला इमेज को क्रिएट कर लिया, वो भी बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, मैं वो भी बता देता हूँ। तो जैसे मैं अगर इस इमेज को यहाँ लाता हूँ तो आप देखो ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। तो आप चाहो तो इस टेक्स्ट के पीछे भी इसको कर सकते हो। तो अगर आप इमेज पर क्लिक करते हो तो यहाँ पोजिशन का ऑप्शन आएगा और पोजिशन में अगर जाने के बाद आप बैकवर्ड पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे ये एक स्टेप बैक हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि मेरे इमेज के मतलब जस्ट ऊपर में सोशल मीडिया लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पर आप देखो मैंने सेव लिया था ब्लैक कलर का, उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं ट्रांसपेरेंसी पर जाता हूँ तो आप देखो मैं इसको कम कर सकता हूँ। तो देखो आप पीछे का थोड़ा सा विजुअल हो गया, फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप बिना किसी वाटरमार्क के इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों बस आज के इतना ही। आज का ये वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।